व्हाट्सअप गाइस, हमारे भाई हम फिर से आ गए हैं रेड शेडो की वीडियो लेके। दोस्तों का वीडियो पसंद आया जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गलतियों की, क्या क्या मैंने की थी और क्या क्या नए प्लेयर्स कर सकते हैं। वैसे अब तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हो गई है, गूगल पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हो गए हैं, तो अब तो ये चीज़ें गलतियाँ बहुत ही कम होती हैं। पर फिर भी बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की थी जब मैंने गेम शुरू करी थी। ऑलमोस्ट मुझे 5-6 महीने हो गए थे, तभी मैंने एक वीडियो डाली थी, आई थिंक वो इंग्लिश में थी, वो मैंने पोस्ट भी कर दी। फिर मैंने अब जाके देखी है कि भाई उसके अंदर तो ऑडियो भी इश्यूज है, तो वो बात छोड़िए, चलिए अभी की बताते हैं क्या क्या बातें। तब तो मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल से ऊपर हो चुका है गेम खेलते हुए, कई सारी चीज़ें मैं अभी भी सीख रहा हूँ और होपफुली आगे भी मैं सीखता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि गेम के अंदर आप एक ही बारी में एकदम भगवान बन जाएंगे, सब कुछ सीख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं आप देख सकते हैं, लेडीज़ वगैरह, वो भी अभी नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो गेम के अंदर सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, क्या बात है कहीं, हाँ बुक्स की। तो इस बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ स्पेशली बुक के बारे में, पर फिर से बताना चाहूँगा, मैंने शुरू शुरू में, अब तो मेरे पास चैंपियंस वो नहीं है, उस टाइम मुझे नई नॉलेज भी नहीं थी और यूट्यूबर्स भी काफ़ी ज़्यादा कम थे, तो मैं वैसे भी वीडियोस नहीं देखता था। अपने दिमाग से मैं गेम खेल रहा था और भाई साहब जो मेरे को समझ आ रही थी, मैंने चैंपियन को बिल्ड करा, जो मर्जी करना है वो मैंने किया। पर भैया मैंने शुरू में गलती करी थी कि भाई रेयर चैंपियंस पे मैंने, जैसे कि सपोज़ कि मेरे पास कोई ये चैंपियन है और मैं, आपको पता है शुरू शुरू में बुक्स मिलती हैं और मिल तो जाती हैं, फिर आप गलती से उनको यूज़ ना कर लें। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है, मुझे पक्का याद है कि मैंने कुछ लेजेंडरी बुक्स और एपिक बुक्स रेयर चैम्पियन पे लगाई थी, 2-4 मुझे याद हैं। और भाई साहब क्योंकि मिलती ही नहीं लेजेंडरी बुक, तब से 2-4 महीने बाद मुझे अकल आ गई थी कि भाई साहब बुक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली एपिक और लेजेंडरी, सेव करके रखता हूँ मैं, बहुत ज़रूरी होती है, तभी लगा था। तो जौन सा चैम्पियन है उसके ऊपर वही बुक लगाएं, कोई आफत नहीं आ रही। 10-15 दिन बाद, 15 दिन महीने बाद आपको बुक मिलेगी, जब भी मिलेगी आप वेस्ट ना करें और बिल्कुल आपका कोई भी फ़ायदा नहीं। भी मेरे क्लैन में भी किसने ऐसे ही करा है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन के अंदर आके उसने अपनी लेजेंडरी बुक्स हाई खतून पे लगा दी और भाई साहब उसको सब उसे खूब गालियाँ सुना रहे थे कि भैया तूने ऐसे क्यों किया। तो जब सपोज़ कि आपके पास एपिक चैम्पियन है, अब वो अच्छा है या नहीं उसके बारे में वो तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, पर अपनी एपिक चैम्पियंस पे आप एपिक बुक्स लगाइए, लेजेंडरी चैम्पियंस पे आप अपनी लेजेंडरी बुक्स लगाइए और रेयर चैम्पियंस पे जो है अपनी रेयर बुक्स लगाइए। अब ज़रूरी नहीं है कि वो चैम्पियन को बुक चाहिए ही होगी, वो वाला टॉपिक भी अलग है, पर अपनी गलती ऐसे आपको नहीं करनी। दूसरा टॉपिक अगर हम आते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो अब सबको, अब तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। जब मैंने शुरू किया था तब ये सब चीज़ें नहीं थी, तो अब तो हर हफ्ते आते हैं 10x, 2x, void x, cx, पर जब मैंने शुरू किया था तब ये 2-2 महीने बाद आते थे इवेंट्स। तो आपको सेव करके रखने अपने शार्ट्स, और फ्री टू प्ले प्लेयर के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है आपको अपना काम करना, शार्ट्स को इकट्ठे करना। तो जब आपका कोई फ्यूजन आ रहा हो या जब बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा हो, स्पेशली फ्री टू प्ले बेस के रेकमेंड करूँगा 2 टाइम्स इवेंट जो होता है, जो हमारा यहाँ पे होता है, जैसे कि अभी हमारा कल ही निकला है कि 12% आपको लेजेंडरी चैम्पियन मिलेगा या 1% आपको वॉइड मिलेगा या 1% एंशिएंट मिलेगा, तभी आप अपने एंशिएंट, वॉइड या सेक्रेट को पुल करें। यूजली महीने में एक आधी बार तो आ ही जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, तब तक आपके पास काफ़ी सारे शार्ट्स भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो आपको भी थोड़ा अच्छा भरोसा हो जाता है। अगर आपके पास 10 शार्ट इकट्ठे हो जाएंगे और आप उनको खोलेंगे तो आपको खुद भी अच्छा लगे, भाई मेरे पास 10 शार्ट। अगर आपके पास हर हफ्ते 2-2 शार्ट, 3-3 शार्ट तो आपको, स्पेशली नए प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, मिलते हैं, फिर आप उनको खोल लेते हैं, फिर जब आपके पास इवेंट या टूर्नामेंट आता है तब आपके पास कुछ भी नहीं होता। तो जब आपको 2x चांस मिले तभी, और 10x तो भाई फ्री टू प्ले प्लेयर्स के लिए मैं बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं तो गेम के अंदर काफ़ी ज़्यादा आगे पहुँच गया हूँ तो इसलिए मैं पुल कर लेता हूँ, पर 10x जो है एकदम रद्दी हिसाब है, 10x में बहुत ही कम चांस होता है। अब तो इतने लेजेंडरी चैंपियंस हो गए गेम के अंदर, मुझे लगता है उतने ज़्यादा अनकॉमन या रेयर भी नहीं होंगे। तो भैया इसलिए जब आपका डबल चांस हो तभी आप अपने शार्ट्स को पुल करें, कुछ भी हो जाए बिल्कुल, या अनलेस कि आप कोई फ्यूजन की तैयारी नहीं कर रहे, तब थोड़ी बात अलग होती, तब आपको पॉइंट चाहिए होते, वरना कोई भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही इसी के अंदर जाते हैं फ्यूजन की, मैंने
शुरू में कहा गया भाई मैंने राइजन को पुल कर लिया है तो यहाँ पे राइजन नहीं दिखा रहा, पर यहाँ पे राइजन भी होता है, राइजन के आपको बहुत सारे रेयर्स चाहिए होते हैं और एपिक चाहिए होते हैं, तो मैंने काफ़ी सारे रेयर्स को छोड़ दिया था और मैंने बहुत ही जो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं मैंने बहुत ही लेट राइजन को बनाया है। ऐसा नहीं है कि अब मैं उसको यूज़ करता हूँ वो बेकार चैंपियन है, काफ़ी अच्छे चैंपियन है। शुरू में अगर किसी को मिल जाए तो डेफिनेटली आपको गेम में प्रोग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। तो राइजन के मैंने जो है रेयर्स को कभी भी ध्यान नहीं दिया, मैं उनको फूड बना लेता था और लिटरली बहुत देर में मैंने उसको बिल्ड किया है। एटलीस्ट 1 साल के बाद मैंने या 1.25 साल के बाद मैंने राइजन को बिल्ड किया था। तो भैया राइजन के आपको रेयर चैंपियंस मिलते हैं, उनको डेफिनेटली आप सेव करके रखिए और उनको आप जो है राइजन को फ्यूज़ कीजिए। साथ ही साथ आप फ्यूज़ करने के भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं टूर्नामेंट के अंदर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा। दूसरी चीज़ है रेलिक कीपर, आपको अपने मिशन के लिए करना पड़ेगा या प्रोग्रेस मिशन होते हैं आर्बिटर के लिए। मैं तो काफ़ी आगे आ चुका हूँ पर आई थिंक सबसे आई थिंक इस वाले के अंदर सेकंड वाले के अंदर हमारे मिलता है आपको रैली कीपर को एंड में फ्यूज़ करना हो, तो रैली कीपर के लिए भी आप अपने चैंपियंस को बचा के रखिए ताकि आप रैली कीपर को फ्यूज़ कर पाएं, क्योंकि आपका एकदम मेन मिशन है, आपको इसको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी ग्रेट हॉल की, तो ग्रेट हॉल के अंदर डेफिनेटली बताना चाहूँगा अटैक को भूल जाओ, डिफेंस भूल जाओ, रिजिस्ट भूल जाओ। शुरू में आपको एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और आई थिंक एंड गेम तक एक्यूरेसी रहती है, तो सबसे पहले आप एक किसी भी एक्यूरेसी वाले को लेवल 10 कर लीजिए ताकि आपको आर्बिटर के मिशन के लिए करना पड़े। अभी के लिए तो फास्ट जल्दी से बताना चाहता हूँ क्योंकि पीडीएफ बहुत लंबी हो जाएगी। सब कुछ भूल जाइए, थोड़ा सा क्रिटिकल डैमेज भी इंपॉर्टेंट होता है पर वो भी बात की बात है। एक आपको एक्यूरेसी करनी है, उसके बाद जो है सब आपको लेवल 5 कर ले देने हैं, उसके बाद आपको अपनी प्रायोरिटी चूज करनी है। अटैक को तो आप भूल ही जाओ एकदम, मैं भी सबसे लास्ट में करूंगा अटैक को, बाकी तो मैं काफ़ी आगे पहुंच चुका हूं। तो एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको काम आती है, तो मेरे हिसाब से बाकी कोई कुछ भी कहे मेरे हिसाब से एक्यूरेसी काम आती है। शुरू के प्लेयर्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि आर्टिफैक्ट्स आपको नहीं मिलते। आर्टिफैक्ट्स की बात करते हैं तो ये भी मैं अपनी पुरानी वीडियो बता चुका हूँ आई थिंक, पर आपको समझ नहीं आई होगी जैसे ही बताया था। मेरे पास अब तो कोई भी नहीं है, सारे मैंने सेल कर दिए हैं, पर फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कोई मैंने जो फार्मिंग करी होगी। तो 3 star 1 2 3 4 5 6 5 star के हमारे आर्टिफैक्ट्स होते हैं। 1 2 3 4 कभी भी आपको लेवल 16 नहीं करना। बैक कितना भी अच्छा आर्टिफैक्ट हो, कितना भी अच्छा आर्टिफैक्ट हो, उसको लेवल 12 तक आप रोक लीजिए क्योंकि बहुत मुश्किल होता है सिल्वर को इकट्ठा करना। सिल्वर आपका वेस्ट हो जाएगा और वो आर्टिफैक्ट आप आगे यूज़ नहीं कर पाएंगे। 5 star का तो हर आदमी यूज़ करता है, मैं भी अभी देखिए यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। कई सारे चैंपियंस पे मेरे 5 star के आर्टिफैक्ट, जबकि मैं ऑलमोस्ट मीड हाई गेम के आगे पहुँच चुका हूँ। तो 5 star के आर्टिफैक्ट्स को लेवल 16 कर सकते हैं। 4 star से नीचे 4 3 2 1 किसी को भी आपको लेवल 60 नहीं करना, कितना भी अच्छा हो। साथ ही साथ फ्लैट स्टेट्स के आर्टिफैक्ट्स को आपको सीधा सीधा सेल कर देना। फ्लैट स्टेट क्या होते हैं आई थिंक मेरे पास शायद अब कोई होंगे नहीं, लेट्स सी फ्लैट एचपी अटैक डिफेंस, ये देखिए। तो ये मेरा फ्लैट स्टेट का आर्टिफैक्ट है, पर ये मैंने क्यों रखा हुआ है क्योंकि इसके अंदर स्पीड का है और मुझे खाली स्पीड चाहिए। खाली आप स्पीड का रख सकते हैं क्योंकि सब सेट के अंदर आपको 2-3 रोल स्पीड के मिल जाते हैं तो आपके लिए सही है, वरना फ्लैट डिफेंस फ्लैट एचपी और जो जो मिलती है आपको फ्लैट अटैक सीधा सेल कर लीजिए। सिल्वर बढ़ेगा आपका और आपके स्लॉट जो हैं वो खाली होंगे ताकि आपके पास फालतू के आर्टिफैक्ट्स होंगे तो और आपको शॉर्ट करने में आर्टिफैक्ट्स को दिक्कत होगी। नेक्स्ट थिंग, अब तो मैं इसको बताने का कुछ फ़ायदा है नहीं, पर फिर भी चैंपियन की रेटिंग देख के उसको बिल्ड ना कीजिए। आपको जो ज़रूरत है चैंपियन की उसी को आप यूज़ कीजिए, उसी को आप बिल्ड कीजिए। आप वीडियो देख सकते हैं, मेरी देख सकते हैं, कई लोग की और हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स बन गई हैं, अब तो 500 चीज़ें हैं। किसी भी सड़े से चैंपियन को उठा के उसकी रेटिंग तो बहुत अच्छी है मैं इसको बिल्ड करूँगा, ऐसे आपको नहीं करना। उसकी आपको ज़रूरत देखनी है, आप उसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि वो जो अगर आपको चैंपियन मिला है, अगर आप गेम की एटलीस्ट आधी जगह पे उसको यूज़ कर सकते हैं तभी आप उसको लेवल 60 बिल्ड कीजिए, वरना आप लेवल 50 तक रख लीजिए। तब आप जो गेम के आगे पहुंच जाएंगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगी, तब आप उसको स्पेसिफिक एरिया के अंदर, वो भी हाई गेम वाली बात है, तब आप जो है स्पेशल चैंपियन को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये किसी फालतू चैंपियन को लेवल 60 ना करो, वरना आपका एक और महीना वेस्ट हो जाएगा एक और चैंपियन को लेवल 60 करने के लिए।
एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो हमारे यहाँ पे मिलती है हमें मार्केट, शुरू शुरू में मैं मार्केट को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता था। बाद में मेरे को उसके फायदे पता चले कि भैया मार्केट की मैं बुराई करता था, और अब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मार्केट को अच्छा भी कर दिया है 6-7 महीने के अंदर। तो मार्केट के अंदर पहले अच्छे आर्टिफैक्ट्स नहीं मिलते थे आपको मार्केट। अभी मैंने बाई चांस खोला ही, और ये काफ़ी अच्छा सेट है, स्पेशली न्यू प्लेयर्स के लिए, मीडियम प्लेयर्स के लिए। 5 स्टार सबस्टैट में स्पीड, सबस्टैट का मतलब अगर आपको अपग्रेड करेंगे तो एटलीस्ट 9 या 10 तो आपको स्पीड सीधी सीधी मिल ही जाएगी क्योरिंग सेट के अंदर, या कोई भी आपको अच्छा सेट मिल सकता है 5 स्टार का। हाँ, थोड़ा महंगा हो सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से खरीदना पड़ेगा। साथ ही साथ सारे स्लॉट्स आप खोल देंगे तो आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि कम वाले स्लॉट्स के अंदर नहीं होते, पर आपको जो है कभी कभी 2 या 3 एंशियंट शार्ट्स भी आप बाय कर सकते हैं। कई लोग अभी भी नहीं मालूम कि मार्केट के अंदर आपको एंशियंट शार्ट मिलते हैं, 2 लाख सिल्वर का आपको मिल जाता है। मैंने मैक्सिमम आई थिंक 2 एंशियंट शार्ट एक साथ खरीदे हैं, पूरे दिन में 4 नहीं, पूरे दिन में मैंने 3 एंशियंट शार्ट्स खरीदे हैं, और नॉन स्टॉप अगर मैं दिन कहूँ तो 5 3 4 दिन के अंदर मैंने एंशियंट शार्ट्स खरीदे हैं। वो कब आते हैं वो किसी को भी नहीं मालूम, पर आप मार्केट के अंदर वो बाय कर सकते हो। तो आपको जितने ज़्यादा स्लॉट खुले होंगे उतना ज़्यादा आपका फायदा होगा। सेकेंड थिंग, ये मैंने भी नहीं करी, स्पेयरिंग पिट का कोई खास फायदा नहीं होता, तो अपनी जेम्स जो है वो बचा के रखिए। और देखिए अभी मैं कितनी आगे गेम के अंदर आ चुका हूँ, और अभी भी मैंने इसको 3rd को अनलॉक नहीं करा, साथ ही साथ इनको भी मैंने अपग्रेड नहीं किया। ये 3 लेवल तक अपग्रेड हो जाते हैं, तो अगर मैं सबको यूज़ करूँगा आई थिंक 300 जेम से 1500 जेम मेरे यहाँ लग जाएंगे। 1500 जेम के बाद फिर 350, फिर 400, बहुत आई थिंक 4 या 5 हज़ार जेम्स आपको अपने वेस्ट नहीं करने, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अपने या फार्मिंग कीजिए, एक्सपी बूस्ट दबा के मिलता है, पेयरिंग पिट को अपग्रेड करने का कोई भी फायदा नहीं होता। एकदम हाई एंड गेम में भी कोई यूज़ नहीं करता, बस एक वेल्ले की तरह चैंपियन आपके पड़े रहते हैं यहाँ पे, तो कोई इसका फायदा नहीं, जरूरी करो। एक और चीज़ है, मेरा पर्सनल नज़रिया है, कई लोग ये सब नहीं मानते, मेरे क्लैन में भी ये इस वाली चीज़ को बहुत कम लोग मानते हैं। मिनिटोर लेडी ब्रिंथ, यहाँ पे क्या होता है, आप अपने चैंपियंस की जो मास्टरीज होती हैं वो आप करते हैं। तो यहाँ मेरे पास तो एनर्जी नहीं है यहाँ पे, तो ये देखिए अगर चैंपियन में जाते हैं और क्लिक करता हूँ तो मास्टरीज का स्लॉट होता है। भाई कहाँ गया ये रहा, तो ये आपको मास्टरीज कैसे मिलती हैं, ये आपको मास्टरी मिलती हैं मिनिटो लेडी रिंथ करके, और यहाँ पे जितनी हाई स्टेज पे आप जाएंगे उतने ज़्यादा आपको स्क्रॉल्स मिलेंगे। पर मैं कभी भी लिटरली मैंने आज तक कभी भी मिनिटोर नहीं किया। मैंने क्या किया है, 800 जेम्स का आपको पर चैंपियन आपको अपग्रेड मिलता है। अगर मुझे किसी चैंपियन को करना हो मास्टरीज पूरी, तो सपोज़ कि मैं इस चैंपियन के पास जाता हूँ अगर मुझे ख़रीदनी है, तो यहाँ देखेंगे 800 गेट ऑल स्क्रॉल बाय 800 जेम्स। तो मेरे को जेम्स मिल जाते थे, और अब तो बहुत भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, अब तो जेम्स आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो भैया मैं रिकमेंड करता हूँ कि अपने जेम्स यूज़ कर दिए 800 जेम्स, और आपको यहाँ पे अपनी मास्टरीज होगी दिए, क्योंकि फटाफट तरीका होता है, क्योंकि वरना आपको 2 दिन लगातार फार्मिंग करनी पड़ती है, फिर आपका गेम का बाकी प्रोसीजर जो है वो भी स्लो हो जाता है। मैं रिकमेंड नहीं करता, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जेम्स को यूज़ कीजिए जब भी आपको 800 जेम्स इकट्ठे हों। जो आपको जेम में ज़रूरी है ऑब्वियसली उसी को करना चाहिए, हर चैंपियन को नहीं करना चाहिए। और चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत सारी मेरे को पता हैं, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या हैं। और हम जाते हैं कैंपेन के अंदर, गेम का सबसे कॉमन एरिया ब्रूटल तक मैंने 1 साल तक करा था, और उसके बाद मैंने नाइटमेयर तभी शुरू किया जब मुझे पता था कि मैं नाइटमेयर कर सकता हूँ। क्योंकि शुरू शुरू की स्टेजेस तक तो आप पहुँच जाएंगे 5-7 स्टेजेस तक, पर उसके आगे जाने के लिए आपको बार बार री अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे। तो री अटेम्प्ट्स का मतलब क्या होगा कि आपको 16 एनर्जी अपनी बार बार वेस्ट करनी होगी। ऐसा मैंने नहीं किया, जब मुझे पता था कि मैं किसी स्टेज को कर पाऊंगा 100%, तो मैं काफ़ी ज़्यादा आई थिंक 10-12 स्टेजेस तक तो मैं पहुंच ही गया था, और आखिरी की कुछ स्टेजेस मेरे को दिक्कत होती थी, आई थिंक सबको ही होगी, चलिए कोई बात नहीं। पर कई लोग दूसरी 5-5 स्टेज में अटक रहे हैं, 5-5 अटैम्प्ट बात कर रहे हैं, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, 1 सेकेंड शार्ट ही मिलेगा, कोई चांद तारे नहीं टूट रहे, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं उखड़ रहा। तो वेट कीजिए, जब आपके चैंपियंस बिल्ड हो जाए अच्छे से तब ही आप इनको ट्राई कीजिए, अपना खाम का एनर्जी और टाइम और सर खपाई ना कीजिए।
नाइट में ब्रूटल तक काफ़ी आसान है, आई थिंक सब लोगों ने कर ही लिया होगा। नाइटमेयर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है द 8-9 स्टेजेस के बाद, और काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये बताना चाहूँगा, अपनी एनर्जी बचाइए, टाइम बचाइए, जब आपका चैंपियंस बिल्ड हो जाए तभी आप अपनी फार्मिंग कीजिए नाइटमेयर के अंदर। और कोई भी फार्मिंग नहीं करता, खाली बस ये जो रिवॉर्ड्स हैं इसके लिए ही लोग करते हैं नाइटमेयर को, तो इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है। एक और काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, पर अब तो काफ़ी लोगों को फिर भी पता होगा, पर फिर भी मैं बताना चाहूँगा, मेरे टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी। 2 या 3 चैंपियंस मैंने करे हैं अपने फूड, तो चैंपियन मिलने आपको पता है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं, अच्छे हो या बुरे वो बात अलग है। साथ ही साथ अब तो ड्यू सिस्टम भी आने वाला है, जो डुप्लीकेट चैंपियंस को आप अपने अपग्रेड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, तो मैंने किया था भाई, फूड बना लिया था। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि मुझे ये चैम्पियन को बिल्ड करना है, ठीक है, तो मैंने इसको यूज़ किया और मैंने अपना कोई बहुत ज़रूरी चैम्पियन, सपोज़ कि ये कीला विचाम या डूम स्पीडीज, मैंने उसको बना दिया फूड। स्पेशली एपिक चैम्पियंस को, तो लेजेंडरी चैम्पियंस को तो बिल्कुल आपको छेड़ना ही नहीं है, कभी भी फूड मत बनाना। एपिक चैंपियंस को मैं फूड बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एपिक चैंपियंस हो जाए, पर मैंने अभी भी होल्ड कर दिया है क्योंकि अब डूप सिस्टम आने वाला है। तो एपिक और लेजेंडरी चैंपियंस को आपको कभी भी फूड नहीं बनाना, अपने नहीं यूज़ करना। बेकार चैंपियन है तो अपने डाल दो वॉल्ट के अंदर, जैसे कि मैंने अपने वॉल्ट जो है भर रखे हैं ये फड़े से चैंपियन से, तो आपको नहीं ज़रूरत, तो यहाँ पे आप जो है उसको डाल सकते हैं। एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो मेरे ध्यान में आई है लेटेस्ट, शुरू शुरू में कई लोगों को डंजन्स के अंदर दिक्कत हो सकती है, और मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि मैंने नोटिस नहीं किया था, मैंने भी बहुत बाद में नोटिस किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी गेम के अंदर 4 एफिनिटी हैं, वॉइड, मैजिक, फोर्स और स्पिरिट। तो अगर आप किसी भी स्टेज के अंदर अटक रहे हैं, आपको बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप चेक कर लें कि आपकी जो वो एफिनिटी मैच होती है कि नहीं। कि जैसे वॉइड चैंपियन में तो कोई एफिनिटी का इशू नहीं होता, पर अगर मैजिक चैंपियन होगा, अगर आपको उसको जल्दी से मारना है, अगर आप स्पिरिट चैंपियन से यूज़ करेंगे, दो यार आकर जो न्यूकिंग चैंपियन है वो स्पिरिट का है, तो आपको जो है स्टेज कंप्लीट करने में दिक्कत हो सके, क्योंकि इसकी एफिनिटी लो है, आप जो है जल्दी से मर सकते हैं, डीबफ नहीं लैंड होगा, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो जो आपको एफिनिटी चेक करनी है, फिर से बता दूं, मैजिक को अच्छे से बीट करता है फोर्स, फोर्स को बीट करती है स्पिरिट, स्पिरिट को बीट करता है मैजिक, और वॉइड का सब नॉर्मल है, आप अच्छे से उसके साथ कर सकते हो। तो इस कई स्टेज में आप अटके हुए हो, तो अपने चैंपियंस को आप थोड़ा चेंज कर लीजिए, ताकि जो है आप स्टेज को जल्दी से कंप्लीट कर पाएं। यही चीज़ आपकी एरिना पे भी अप्लाई होती है, तो एरिना की नॉलेज बहुत ज़्यादा लोगों को हो गई है, टीम सबकी अच्छी होती है, पर एरिना के अंदर भी आपको देखना चाहिए कि आपकी क्या टीम है और आप किस टीम से आप जो है बिल्ड अटैक कर रहे हैं, आपकी ऑफेंसिव टीम। अगर सामने की टीम की एफिनिटी देखिए आपको, तब जाके जज करना चाहिए कि मैं अपनी ये वाली टीम लेके जाऊंगा तो ये वाली टीम जो है ख़त्म हो जाएगी। तो यही आपको थोड़ा ध्यान रखना है एफिनिटी का डंजन्स के अंदर, एरिना के अंदर, आपको हाथी आई थिंक हर जगह पे ही आपको ध्यान रखना चाहिए। नए प्लेयर्स के लिए ये नई चीज़ होती है, तो आपको साइट पे आपको पता चल जाएगी ऑनलाइन की कौन सी एफिनिटी के लिए आपको सबसे अच्छा चैंपियंस, कौन सी एफिनिटी आपको चैंपियन रखना चाहिए। तो लास्ट चीज़ जो मेरे को ध्यान में आई है, मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी चैंपियन पे आप मुंह उठा के आर्टिफैक्ट्स मत चिपका दो, क्योंकि क्या उसका नुकसान होगा आपको पता ही होगा, क्योंकि आर्टिफैक्ट्स को रिमूव करना हो, मुझे अगर किसी भी चैंपियन पे लगाना हो या रिमूव करना हो, तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सिल्वर लगता है। तो भैया अगर आपको कोई डेफिनेटली चैंपियन बनाना है और उसके ऊपर आप अपने बेस्ट आर्टिफैक्ट्स लगाइए, ताकि आपको उसको रिमूव करने का चांस बहुत ही कम मिले। वरना आपका क्या होगा कि एक चैंपियन को आप बनाएंगे, उसके आर्टिफैक्ट नहीं अच्छे लगे, थोड़े गंदे हैं या कुछ भी है, वीक हैं, फिर आप उसको हटाने के लिए करेंगे, तो आपका कम से कम 3 से मैक्सिमम आपका 6 लाख सिल्वर खाली आर्टिफैक्ट्स का लगा है। सारे सारे अगर आप सिल्वर लगाएंगे तो ऑलमोस्ट 909 लाख सिल्वर, मतलब 1 मिलियन सिल्वर आपका पूरे चैंपियन के आर्टिफैक्ट्स हटाने में ही निपट जाएगा। और बाय चांस अगर आप किसी और चैंपियन का अगर स्वैप कर रहे हैं, तो आपके 2 मिलियन सिल्वर। तो भैया जो आपको ज़रूरत हो वही आर्टिफैक्ट्स लगाइए अपने चैंपियंस के ऊपर, जो आपको इंपॉर्टेंट हो, जो मेन हो, उसकी एफिनिटी अच्छी हो, स्टार अच्छे हो, रैंक अच्छे हो, सब सेट्स अच्छे हों, वही बिल्ड करिए, उसी हिसाब के अपने चैंपियन को बिल्ड कीजिए। तो आई थिंक थोड़ा बहुत जो भी मैं आपको समझा सकता था वो मैंने समझा दिया। और एक चीज़ और नोटिस करना करता हूँ नए प्लेयर्स के लिए, मैंने कभी भी टूर्नामेंट पे मैटर नहीं किया,
तो टूर्नामेंट्स कई लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हैं एक आधे दो रिवॉर्ड्स के लिए, मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं होते। मैंने कभी भी टूर्नामेंट में जानबूझ के पार्टिसिपेट नहीं किया, अनलेस कि एरिना का ना हो, तो वैसे भी गेम में काफ़ी आगे मैं चला गया हूँ। तो आपको टूर्नामेंट्स के या इवेंट्स के अंदर इतनी भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। आगे आप थोड़ी गेम में पहुंच जाएंगे, आपको अच्छे से रिवॉर्ड्स आपको गेम देगी। साथ ही साथ डूम टावर, रोज के फ्री रिवॉर्ड्स, ये सब तो हमें आजकल बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। तो इतनी भाग दौड़ ना कीजिए, अपनी एनर्जी अपना दिमाग जो है टूर्नामेंट्स और इवेंट्स के अंदर ना लगे। तो आई थिंक सब मैं कवर कर चुका हूँ दोस्तों। कुछ और सवाल हो तो मुझे पूछ सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे भी मेरा सर्वर है, आप नीचे ऐड कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जहाँ भी आप चाहें। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, वीडियो को पसंद आए जो लाइक कीजिएगा, जिनको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।